सात सीटों पर उपचुनाव की जो मतगणना है वो लगातार जारी है। तो चौथे राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। 278 वोटों से राजेंद्र गुढ़ा आगे निकले हैं, ये बड़ी जानकारी। झुंझुनू से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं। झुंझुनू सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। चौथे राउंड में राजेंद्र गुढ़ा आगे बढ़त बनाए हुए हैं, ये बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 278 वोटों से राजेंद्र गुढ़ा इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं झुंझुनू से, जो कि इस वक्त रुझानों में आगे चल रहे हैं। और इस वक्त संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विजेंद्र, जिस तरह से चौथे राउंड में राजेंद्र गुढ़ा आगे बढ़त बनाए हुए हैं, फिलहाल कितने वोटों से आगे चल रहे हैं ये भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 278 वोटों से आगे वो बढ़त बनाए हुए हैं, अभी फिलहाल क्या कुछ और अपडेट है? जी, पिछले तीन राउंड चार राउंड हो चुके हैं, चार राउंड में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में टक्कर बनी हुई है। कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे चल रही है। पिछले तीन राउंड में भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भांबू आगे चल रहे थे, लेकिन चौथे राउंड में निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा ने बढ़त बनाई है। जी मैम, बिल्कुल, ऐसे में फिलहाल इस वक्त जो जिक्र कर रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा आगे बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन इससे पहले क्या कुछ और अभी टक्कर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, और अगर हम निर्दलीय प्रत्याशी की बात करते हैं तो? टक्कर तो फिलहाल चार राउंड तक भाजपा और निर्दलीय के बीच में ही चलती आ रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी इस सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सात सीटों पर जो उपचुनाव की मतगणना चल रही है उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी अपडेट। रामगढ़ सीट पर बीजेपी के सुखवंत सिंह आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो खींवसर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी की बढ़त, देवली उनियारा से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। देवली उनियारा वो सीट जहां पर थप्पड़कांड सामने आया था, और झुंझुनू में निर्दलीय प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त आपको बता दें कि सलुम्बर की सीट है जहां पर बीएपी के अनिल कटारा 1996 वोटों से आगे हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि अन्य और जो दूसरी सीटें हैं, दौसा की अगर बात करें, दूसरे राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद कांग्रेस 55 मतों से आगे है। पहले राउंड में कांग्रेस को 940 जो है वोट मिले थे, और तीसरे राउंड खिवसर की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा राउंड कंप्लीट होने के बाद बीजेपी 1024 वोटों से आगे चल रही है। तो सलुम्बर सीट पर भी बाप आगे बढ़त बनाई हुई है। देवली उनियारा सीट पर आपको बता दें कि निर्दलीय नरेश मीणा ने कांग्रेस के केसी मीणा को पीछे छोड़ा है, और दूसरे नंबर पर है। झुंझुनू से राजेंद्र गुढ़ा इस वक्त आगे चल रहे हैं। चार राउंड की गिनती में राजेंद्र गुढ़ा लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो तमाम जो ये अपडेट है वो आपको दे रहे हैं। सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें सलुम्बर सीट पर इस वक्त बाप पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है।
तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटों पर दौसा, झुंझुनू, खीवसर, सलूमबर, रामगढ़, देवली, उनियारा, दौसा और 84 में मतगणना जो है वो शुरू हो गई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, झुंझुनू से बड़ी जानकारी, निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा की बढ़त, 5वें राउंड तक बीजेपी से 2253 वोटों की जो बढ़त है वो लगातार राजेंद्र गुढ़ा लिए हुए हैं। ये बड़ी लीड जो है इस वक्त राजेंद्र गुढ़ा निर्दलीय प्रत्याशी कर रहे हैं। तो झुंझुनू में राजेंद्र गुढ़ा ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इस वक्त जो 4 राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें राजेंद्र गुढ़ा लगातार आगे बने हुए हैं। तो 5वें राउंड तक बीजेपी से 2253 वोटों की जो बढ़त है वो लगातार बनी हुई है निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा की। झुंझुनू से निर्दलीय प्रत्याशी हैं राजेंद्र गुढ़ा, जो कि बढ़त हासिल किए हुए हैं। इस वक्त संवाददाता अभिषेक जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक, जो 7 सीटों पर इस वक्त लगातार काउंटिंग चल रही है झुंझुनू सीट की बात करें, तो चौंकाने वाला जो 4 राउंड के इस वक्त रुझान सामने आए हैं, राजेंद्र गुढ़ा जो कि इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जी देखिए, ये जो उपचुनाव होने हैं प्रदेश में, 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसकी काउंटिंग का दौर शुरू है। कहीं 4 राउंड हुए, कहीं 1 राउंड, तो कहीं 2 राउंड। तो ऐसे में अगर हम सलूमबर सीट की भी अगर बात करते हैं, तो सलूमबर सीट पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि बाप पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाए हुई है। बाप पार्टी के जितेश कटारा जो है वो अभी फिलहाल यहाँ सलूमबर सीट से आगे चल रहे हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की साख इस वजह से दांव पर है क्योंकि यहाँ पर 3 बार अमृतलाल मीणा, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, वो यहाँ पर विधायक रहे थे। तो ऐसे में आदिवासी इलाकों में जिस तरह से अमृतलाल मीणा का वर्चस्व था, भारतीय जनता पार्टी की पेट थी, वो कहीं ना कहीं इस बार दांव पर लगी हुई है, क्योंकि दुगुने वोटों से जो है वो अभी दूसरे राउंड के बाद बाप पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 22 राउंड में यहाँ पर काउंटिंग होनी है। ऐसे में शुरुआती दौर में दुगुनी बढ़त लेकर बाप पार्टी के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश की राजनीति में अगर हम बात करते हैं इन 7 सीटों पर, तो सिर्फ सलूमबर एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, इसके अलावा तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तो ऐसे इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए सलूमबर की सीट जीतना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भजनलाल सरकार को यहाँ 1 साल हुआ है, तो भजनलाल सरकार के कार्यकाल से लोग कितने खुश हैं, ये कहीं ना कहीं सलूमबर सीट का जो रिजल्ट है वो उसका प्रमाण पत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल जो बाप पार्टी के जितेश कटारा हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाप पार्टी के कैंडिडेट से आधे वोट लाई है, और वहीं तीसरे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक नुकसानदायक खबर है कि दूसरे ही राउंड में बाप पार्टी का जो कैंडिडेट है वो दुगुने वोटों से आगे हैं।
तो ये अब देखना होगा कि 22 राउंड के बाद ऊंट किस करवट बैठता है और तलुम्बर की क्या कुछ तस्वीर होती है। जी बिल्कुल, यानी कि अब तक के जो रुझान हैं उन रुझानों में बाप पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और अगर ये आगे चल के परिणाम में तब्दील होता है तो एक बड़ा रिकॉर्ड टूटेगा सलुम्बर सीट पर। जी ये एक बड़ा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अमृतलाल मीणा 3 बार से विधायक रहे हैं। हम 2013 के विधानसभा चुनावों की बात करें, 2018 की बात करें या 2023 की बात करें, तीनों बार भारतीय जनता पार्टी ने अमृतलाल मीणा को टिकट दिया था और वो हमेशा यहाँ से जीत के आए हैं। तो सलुम्बर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 15 सालों से गढ़ रहा है। यहीं पर इनके सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता रघुवीर मीणा, जो इनसे 1 बार हार चुके हैं और 2 बार इनकी जो पत्नी है उनको टिकट दिया गया था वो हारी थी, तो कांग्रेस ने 3 बार यहाँ से हार का मुंह देखा। वहीं जितेश कटारा ने भी 1 बार पिछली बार जब ये चुनाव लड़े थे तो ये यहाँ से हारे थे, लेकिन इस बार जितेश कटारा ने अच्छी बढ़त बनाई है। दूसरे ही राउंड में दुगुने वोटों से वो आगे चल रहे हैं, 10,000 से ज्यादा वोट जो हैं वो बाप पार्टी के जितेश कटारा को मिले हैं, वहीं तकरीबन 5,000 के आसपास जो वोट हैं वो बीजेपी के खाते में आए, और कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर यानी 3,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर चल रही है। तो ऐसे में अब बढ़त बना पाना कांग्रेस के लिए तो नामुमकिन सा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखिए यहाँ पर मैं एक अपडेट आपको और देना चाहूंगा कि तीसरे राउंड का भी रुझान जो है वो यहाँ पर आ गया है। इसके अंदर बाप पार्टी के जो जितेश कटारा है वो तीसरे राउंड में भी लगातार आगे हैं, उन्हें 12,651 वोट मिले हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की शांता देवी है उनको यहाँ पर 9,850 वोट मिले हैं, यानी कि बाप पार्टी के जो जितेश है वो 2800 वोटों से आगे चल रहे हैं तीसरे राउंड में। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त जो है वो बाप पार्टी ने यहाँ बना ली है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और एक बड़ा उलटफेर जो सलुम्बर सीट को लेकर आप जानकारी दे रहे हैं, ऐसे में अभिषेक अगर हम सलुम्बर के राजनीतिक इतिहास की बात करें सीट की, तो किस तरह का इतिहास रहा है यहाँ पर, जो जातीय समीकरण रहा है वो किस तरह से देखा गया है तमाम चुनावों में? जी देखिए, अगर हम सलुम्बर के जातिगत समीकरणों की बात करते हैं तो ये पूरा जो इलाका है ये एक ट्राइबल बेल्ट है, यानी आदिवासी इलाका है। तो आदिवासी पार्टी के गठन से पहले यहाँ पर लगातार कांग्रेस की जीत होती थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बीजेपी ने अपना वर्चस्व बनाया और पिछले 3 बार से चुनावों में जो है वो बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए थी। बीजेपी ने 3 चुनाव यहाँ पर, यानी कि पिछले 15 साल से अगर हम 15 साल की बात करें तो बीजेपी का ये गढ़ था। तो उस अभेद किले को भेद पाना कांग्रेस और बाप के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन चूंकि ये पूरा इलाका जो है वो ट्राइबल बेल्ट है, तो इस ट्राइबल बेल्ट में जो तीसरे विकल्प के रूप में बाप पार्टी उभरी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, उसने कहीं ना कहीं इस बार अपना एक अच्छा वर्चस्व जमाया है। अब इस बार ऊंट किस करवट बैठता है, किस नेता का किस्मत चमकती है और इस उपचुनाव के क्या कुछ परिणाम होते हैं, ये तमाम बातें जो हैं ये 22 राउंड के बाद क्लियर हो पाएगी। जी बिल्कुल, और अगर ऐसा होता है यहाँ पर जैसा कि बाप पार्टी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो ये बीजेपी के लिए किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा शॉकिंग जो है रिजल्ट रहने वाला है? हाँ देखिए, ये एक बड़ा परिणाम है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बीजेपी की ताक जो है वो यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। यहाँ पर जो कांग्रेस के जैसे जो कद्दावर नेता थे रघुवीर मीणा, उन्होंने भी इस बार टिकट की मांग की थी, क्योंकि दिवंगत अमृतलाल मीणा के बाद यहाँ पर कांग्रेस के लिए थोड़ी राह आसान थी। अगर कांग्रेस के रघुवीर मीणा को यहाँ टिकट मिलता, जो कि अभी रेशमा मीणा को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर अच्छी टक्कर दे सकती थी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सहानुभूति कार्ड यहाँ पर खेला है, दिवंगत अमृतलाल मीणा की जो पत्नी है शांता देवी मीणा, उन्हें यहाँ पर बीजेपी ने टिकट दिया था, एक सहानुभूति कार्ड खेला है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सक्सेस हो पाती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जो शांता देवी मीणा है बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो ठीक से अपने खुद के प्रचार की बातें भी लोगों के सामने नहीं रख पा रही थी, तो उनके बोलने की जो कुशलता है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। इसको लेकर भी लोगों ने देखकर इस बार वोटिंग की है, क्योंकि उनका कहना है कि जो व्यक्ति अपने ही प्रचार में अपनी खुद की बात और अपनी वोट नहीं मांग पा रहा ढंग से, वो
सलुम्बर इलाके के विकास के लिए अपनी सलुम्बर जिले के जो लोग हैं उनकी बात विधानसभा में कैसे रखेंगे, ये चर्चाएं भी कहीं ना कहीं इस चुनाव के दौरान थी। इसका भी लाभ कहीं ना कहीं बाप पार्टी को मिल सकता है। लेकिन देखिए जिस तरह से कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है, ये कांग्रेस के लिए एक दुखद खबर है, क्योंकि कांग्रेस पिछले अगर चुनावों की बात करें, तीन चुनावों में लगातार कांग्रेस हारी और उसके बाद अभी ये चौथा चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता थे अमृतलाल मीणा वो है नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो अगर कांग्रेस हारती है और ढंग से अगर परफॉर्म नहीं कर पाती तो ये एक बड़ा नुकसान जो है, एक बड़ी सीख जो है वो कांग्रेस के लिए भी होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अभिषेक धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उपचुनाव को लेकर मदन राठौड़ ने बयान दिया है, जो रुझान सामने आ रहे हैं सभी सातों सीटों पर बीजेपी जीतेगी, ये दावा किया गया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। उपचुनाव को लेकर मदन राठौड़ ने जीत का दम भरा है, हालांकि लगातार जीत का दम सभी पार्टियों की तरफ से भरा जा रहा है, लेकिन जो अब चुनावी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए मदन राठौड़ की तरफ से ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी सातों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि ये दावा इससे पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी किया गया कि सात सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। दूसरी तरफ तमाम सीटों पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से भी जीत का दम जो है वो भरा जा रहा है। सलुम्बर सीट पर इस वक्त बाप के प्रत्याशी बहुत जो है आगे चल रहे हैं, काफी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और नागौर से सुशील दिवाकर इस वक्त संवाददाता हमारे साथ थोड़ी ही देर में लाइव जुड़ने वाले हैं, जो कि नागौर विधानसभा सीट पर इस वक्त क्या माहौल है ये हम जानेंगे। सुशील दिवाकर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं नागौर से। सुशील बताएं क्या अपडेट है। अगर नागौर से क्यूस विधानसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो अब तक पांच राउंड हुए हैं और पांचों राउंड में से चार राउंड में भाजपा ने बढ़त बनाई है, करीब 5000 वोटों से भाजपा आगे चल रही है। लेकिन जो पांचवा राउंड जो आया था उसमें आरएलपी 300 वोट से आगे रही है, तो ऐसे में लगातार यहां पर भाजपा और आरएलपी के बीच में जो है वो टक्कर देखी जा रही है। लेकिन भाजपा जो है वो लगातार अपनी प्रत्येक राउंड के अंदर लगातार बढ़त बनाई और 5000 के करीब ज्यादा वोटों से इस बार भाजपा आगे है। लेकिन चार राउंड तक जहां भाजपा आगे थी वहीं पांचवें राउंड में आरएलपी ने 300 वोटों से बढ़त बढ़ाई है, तो ऐसे में लगातार यहां पर नतीजों के जो परिणाम आ रहे हैं, नतीजे जिस तरह से रुझान आ रहे हैं वो अब तक भाजपा के पक्ष में है। लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे वैसे वैसे ये तस्वीर साफ होगी कि इस बार ख्यूसर के विधानसभा सीट पर ख्यूसर की जनता ने जो है उसे किसे अपना विधायक चुना है। बिल्कुल, और ख्यूसर के अगर हम इससे पहले के जो राजनीतिक समीकरण रहे हैं वो क्या कुछ रहे, एक बार जरा यहाँ के राजनीतिक इतिहास को जरा दर्शकों को बताए किस तरह से इससे पहले कौन से विधायक थे और क्या कुछ राजनीतिक इतिहास रहा है, क्या जातीय समीकरण रहा है ख्यूसर विधानसभा सीट पर। देखिए ख्यूसर विधानसभा सीट जब से बनी है तब से इस सीट पर आरएलपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जो है वो भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में रही है। भाजपा ने एक बार फिर से यहाँ पर निवतराम डांगा को अपने प्रत्याशी बनाया था, तो वहीं यहाँ पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारा था। इसके साथ ही कांग्रेसी डॉक्टर रतन चौधरी चुनाव मैदान में, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला ख्यूसर सीट पर देखा जा रहा था। लगातार जो है वो इस बार जो है वो तीनों ही प्रत्याशियों के द्वारा पूरे जोर के साथ चुनाव प्रचार प्रसार किया गया था और इस बार मतदाताओं ने भी पूरा उत्साह दिखाया था। करीब 75.66% मतदान इस बार हुआ, जो कि पिछली बार से करीब 3.16% अधिक मतदान था। ऐसे में यहाँ पर जो है वो मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखा गया था। इस बार देखना का होगा कि तीनों प्रत्याशियों ने जिस तरह से पूरा दमखम दिखाया है। भाजपा ने भी इस बार पूरी अपनी ताकत लगाई है, भाजपा के दिग्गज शीर्ष नेता यहाँ पर लगातार चुनावी सभा करते हुए रहे, मुख्यमंत्री खुद दो बार उन्होंने यहाँ पर चुनावी सभा यहाँ पर की थी। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जो है वो ख्यूसर की जनता किसका साथ देती है, लेकिन इस बार के त्रिकोणीय मुकाबला के अंदर वो तीनों ही पार्टियां आस लगाई बैठी है कि जनता ने उनका साथ दिया होगा। लेकिन
इस बार जो अब तक जो परिणाम सामने हैं, अब तक जो 5 राउंड सामने आए उनमें 4 राउंड में भाजपा लगातार बढ़त बनाए रखी हुई थी। 5वें राउंड में जो है वो आरएलपी ने करीब 300 वोटों से बढ़त बनाई है। लगातार जो है वो चुनाव रुझान आ रहे हैं और हम आप सब चुनावी रुझान साझा कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे यहाँ पर फिर से विधानसभा सीट को लेकर तकलीफ साफ होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो क्या कुछ वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नजर आ रहे हैं? चूंकि देखिए, जब ये तमाम जो अभी इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं किस तरह से परिणाम में तब्दील होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है ये भी जरा एक बार तस्वीरों के जरिए आप दर्शकों को दिखाएं। अभी मैं यहाँ पर मतगणना केंद्र पर खड़ा हूँ और आप साफ तौर पर देख सकते हो कि यहाँ पर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए। त्रिस्तरीय सुरक्षा यहाँ पर है, पुलिस जवान यहाँ पर तैनात है, इसके साथ आरएसी के जवान है, इसके साथ ही यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स से सेना के जवान भी यहाँ पर लगातार तैनात है। ऐसे में सुरक्षा की पूरी दृष्टि है। जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा जो है 900 से ज्यादा पुलिस जवानों को जो यहाँ पर मतगणना केंद्र उसके आसपास के इलाकों में तैनात किया गया है, तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भी इस बार जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा पुख्ता इंतजाम है ना इस पूरे उपचुनाव को लेकर किए गए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो लगातार जिस तरह से खेवसर विधानसभा सीट के क्या कुछ इस वक्त अपडेट हैं वो हमारे सहयोगी ने पहुंचाए हैं, तो अगर हम बात करें तो इस वक्त 7 विधानसभा सीटों पर लगातार काउंटिंग चल रही है। और अगर हम सलुम्बर सीट की बात करते हैं तो बाप प्रत्याशी की बढ़त, अगर हम झुंझुनू की बात करते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़त हासिल की है। और सलुम्बर सीट में अगर जो बढ़त बाप पार्टी के प्रत्याशी लगातार बनाए हुए हैं, अगर ये आगे चल के नतीजों में तब्दील होता है तो एक बड़ा उलटफेर सलुम्बर सीट पर देखने को मिलेगा। रामगढ़ विधानसभा सीट पर साल 2018 में 2023 में 77 और इस बार वर्ष 2024 में 75% मतदान जो है वो हुआ है। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर दिवंगत कांग्रेस नेता जुबेर खान के बेटे आर्यन खान का मुकाबला भाजपा के सुखवंत सिंह से है और ये सीट विधायक जुबेर खान के निधन के बाद खाली हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। लगातार अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं, ऐसे में रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की। 84 सीट से अपडेट है जहां पर 6 राउंड की गिनती पूरी हुई है। बाप के अनिल कटारा की बढ़त देखी जा रही है। तो बीजेपी के कारीलाल ननोमा इस वक्त पीछे हैं, कांग्रेस के महेश रोत भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बाप के अनिल कटारा की इस वक्त बढ़त देखी जा रही है। तो 84 सीट सलुम्बर सीट जहां पर इस वक्त बाप की बढ़त बनी हुई है, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी के कारीलाल ननोमा जो है इस वक्त पीछे बताए जा रहे हैं, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। तो सलुम्बर सीट, 84 सीट, इन सभी जगहों पर इस वक्त बाप के प्रत्याशी ने आगे बढ़त बनाई है और ये बाप पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत जो है वो मिलता हुआ इस उपचुनाव में नजर आ रहा है। तो जहां झुंझुनू में निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा की बढ़त है, तो वहीं सलुम्बर और 84 में बाप पार्टी के प्रत्याशी की बढ़त बनी हुई है। और देवली उनियारा की अगर बात करें तो वहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी जो कि चर्चाओं में रहे थे नरेश मीणा, वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। तो 7 सीटों पर इस वक्त लगातार काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग में जो
इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बाप पार्टी 84 सीट पर आगे चल रही है, सलुम्बर सीट पर आगे चल रही है। इसके साथ ही देवली उनियारा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आगे हैं जो कि थप्पड़ कांड के बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं। और अगर हम बात करें झुंझुनू सीट की तो यहाँ पर भी निर्दलीय प्रत्याशी की बढ़त बनी हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, 7 सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी, झुंझुनू सीट पर फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जहां झुंझुनू में बीजेपी के राजेंद्र भांबू अब जो है वो आगे निकल गए हैं, यानी कि राजेंद्र गुढ़ा पीछे हो गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा पीछे हुए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी अब आगे बढ़त बना लिए हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट, बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है झुंझुनू सीट पर। तो ये बड़ी जानकारी झुंझुनू सीट से, जहां एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पर बड़ा उलटफेर आपको बता दें, राजेंद्र गुढ़ा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी आगे बढ़त बनाए हुए थे वो फिलहाल अब पीछे हो गए हैं, बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त अब आगे हो गए हैं। तो बीजेपी के राजेंद्र भांबू अब आगे हो चुके हैं झुंझुनू सीट पर। तो झुंझुनू सीट का ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं जहां पर इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी ने आगे बढ़त बना ली है और निर्दलीय प्रत्याशी जो लगातार आगे बढ़त बनाए हुए थे वो फिलहाल अब बीजेपी प्रत्याशी से पीछे हो चुके हैं। तो झुंझुनू सीट पर ये बड़ा उलटफेर हुआ है जहां पर इस वक्त अब बीजेपी के प्रत्याशी ने आगे बढ़त बना ली है और इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी अब पीछे हो गए हैं। राजेंद्र भांबू जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने आगे बढ़त बना ली है और निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा पीछे हो गए हैं। हालांकि 4 राउंड के काउंटिंग तक आगे चल रहे थे राजेंद्र गुढ़ा।
और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, खिमसर सीट पर छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। आरएलपी ने बढ़त बनाई हुई है खिमसर सीट पर, तो लगातार आरएलपी की बढ़त तो बनी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी खिमसर सीट से, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी को 380 वोट मिले हैं और आरएलपी के प्रत्याशी की फिलहाल बढ़त बनी हुई है। तो 6 राउंड की गिनती पूरी हुई है जिसमें खिमसर सीट पर आरएलपी ने बढ़त बनाई है। तो आरएलपी की कनिका बेनीवाल इस वक्त 5,599 वोटों से आगे चल रही हैं, यानी कि 5,500 से ज़्यादा वोटों से इस वक्त आगे बढ़त बनाई हुई हैं आरएलपी की प्रत्याशी कनिका बेनीवाल। आरएलपी की कनिका बेनीवाल को 5,599 वोट मिले हैं और 6 राउंड की काउंटिंग जो है फिलहाल पूरी हुई है, जिसमें इस वक्त आरएलपी की कनिका बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो खिमसर सीट का ये अपडेट है, जहां पर छठे राउंड की गिनती पूरी हुई है और आपको बता दें कि आरएलपी के प्रत्याशी कनिका इस वक्त आगे चल रही हैं, कनिका बेनीवाल। तो खिमसर सीट पर आरएलपी ने बढ़त बनाई हुई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आरएलपी की कनिका बेनीवाल को 5,590 वोट मिले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के
रेवत राम डांगा को 4,526 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी को 380 वोट मिले हैं। सबसे कम वोट कांग्रेस के प्रत्याशी ने हासिल किए हैं। और हालांकि अभी देखना ये होगा कि परिणाम क्या कुछ रहता है, चूंकि अभी हमें आने वाले चंद घंटों का इंतजार और करना होगा, जिसके बाद तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी कि विधायक के रूप में खिमसर की जनता ने किसे चुना है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। झुंझुनू सीट पर बीजेपी की बढ़त बरकरार है, तो बीजेपी के राजेंद्र भांबू 11,958 वोटों से आगे लीड लिए हुए हैं। आठवें राउंड में राजेंद्र भांबू 31,809 वोट हासिल किए हैं। निर्दलीय राजेंद्र गुढ़ा को 19,851 वोट मिले हैं, तो कांग्रेस के खाते में 13,487 वोट गए हैं। यानी कि अभी इस वक्त लीड में बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो बढ़त बनाए हुए हैं, और राजेंद्र गुढ़ा जो कि लगातार आगे चल रहे थे वो फिलहाल अब पीछे हो गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको झुंझुनू सीट से दे रहे हैं, जहां अपडेट ये है कि राजेंद्र भांबू लगातार जो बढ़त है वो बनाए हुए हैं। चूंकि अब 8वें राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें भी बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो झुंझुनू सीट से ये अपडेट है। 8वें राउंड में राजेंद्र भांबू जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, संवाददाता महेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेश्वर, क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? तो महेश्वर तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। लगातार अगर हम बात करें तो 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसकी काउंटिंग चल रही है।
तो लगातार 7 सीटों पर उपचुनाव जो हुए थे उसके रिजल्ट आज आने हैं, जिसको लेकर काउंटिंग चल रही है। और फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं, अगर हम बात करें सलुम्बर सीट की, तो यहाँ पर बाप पार्टी आगे बढ़त बनाई हुई है। वहीं झुंझुनू में बीजेपी के प्रत्याशी की बढ़त देखी जा रही है, हालांकि पहले निर्दलीय प्रत्याशी की बढ़त बनी हुई थी। तो वहीं दौसा सीट पर बीजेपी के जगमोहन मीणा आगे चल रहे हैं। राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आने हैं, जिसको लेकर इस वक्त काउंटिंग जारी है। कांग्रेस के विधायक रहे मुरारी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद दौसा विधानसभा सीट खाली कर दी थी। अब उपचुनाव होने के बाद जो आज नतीजे सामने आए हैं, उसके रुझान में इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो उपचुनाव में कांग्रेस ने डीसी बैरवा को मौका दिया था, बीजेपी की ओर से जगमोहन मीणा चुनाव लड़े हैं, जो कि इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। देवली उनियारा सीट पर बीजेपी की बढ़त बरकरार। बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर इस वक्त 17,801 वोटों से आगे चल रहे हैं। 5वें राउंड में राजेंद्र गुर्जर को 29,922 वोट मिले, नरेश मीणा को अब तक 11,821 वोट मिले हैं। कांग्रेस के केसी मीणा को 8,433 वोट मिले। तो देवली उनियारा सीट के लिए ये अपडेट जो सामने आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। देवली उनियारा सीट जो कि थप्पड़ कांड की वजह से ज़्यादा चर्चाओं में आई, हालांकि नरेश मीणा इस वक्त दूसरे नंबर पर चल रहे हैं बढ़त में, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर मतगणना लगातार जारी है और बीजेपी के प्रत्याशी की आगे बढ़त बनी हुई है। तो नरेश मीणा को फिलहाल 11,821 वोट अभी मिले हैं और कांग्रेस के केशी मीणा को 8,433 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी की बढ़त बनी हुई है, देवली उनियारा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी की बढ़त बनी है। राजेंद्र गुर्जर 17,801 वोटों से आगे चल रहे हैं। और एक बार फिर से संवाददाता महेश्वर का रुख करेंगे, डूंगरपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेश्वर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ डूंगरपुर विधानसभा हॉट सीट है, जहाँ पर 14,683 सातवें राउंड में अभी अनिल कटारा जो बाप के प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। कितने वोटों से आगे चल रहे हैं और अभी वहां पर क्या कुछ हलचल देखी जा रही है, बताएं। 14,683 वोटों से सातवें राउंड में आगे हैं अनिल कटारा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो 14,000 वोटों से इस वक्त बाप के प्रत्याशी अनिल कटारा आगे चल रहे हैं।
और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आज उसका रुख करेंगे। झुंझुनू में 9 राउंड की गिनती पूरी, बीजेपी की बढ़त अभी भी बरकरार। तो दूसरे नंबर पर राजेंद्र गोढ़ा चल रहे हैं। राजेंद्र भांबू जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे बने हुए हैं। कांग्रेस के अमित ओला इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं और बीजेपी की बढ़त अभी भी लगातार बरकरार है। तो ये बड़ा अपडेट आपको झुंझुनू सीट का दे रहे हैं, जहां पर 9 राउंड की गिनती में इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशी की आगे बढ़त बनी हुई है। नौ राउंड की गिनती पूरी होने के साथ अभी बीजेपी के प्रत्याशी ने जो बढ़त बनाई है वो लगातार बरकरार है। राजेंद्र गुढ़ा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो फिलहाल इस वक्त दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो ये अलग अलग विधानसभा सीटों की ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलवर, उदयपुर, डूंगरपुर, खींवसर की अलग अलग तस्वीरें, जहां पर इस वक्त काउंटिंग लगातार जारी है। तो काउंटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम हैं इन तस्वीरों में आप देखिए। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलवर, उदयपुर, डूंगरपुर और खींवसर की, जहां पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस बीच कई राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी भी हो चुकी है। तो अलवर, उदयपुर और डूंगरपुर, खींवसर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर काउंटिंग लगातार जारी है।
तो अलवर, उदयपुर, डूंगरपुर, खीवसर में लगातार काउंटिंग चल रही है। तमाम प्रत्याशियों के जो आंकड़े हैं उनमें भी तब्दीलियां लगातार जारी है। तो अगर हम खियोसर विधानसभा सीट की बात करें तो लगातार बीजेपी प्रत्याशी की जो बढ़त है वो बनी हुई है।